In this module, we will discuss about steps in analysis. We must understand the two terms analyte and matrix before starting this module. Analyte is any component of interest that we want to find out in our sample. Just calcium, magnesium, iron inki, inko quantify karnaho, identification karna or number of colony forming bacteria in analyte. Kahenge. और मैट्रिक्स अपनी तमाम वेरिएबिलिटी के साथ जिसमें एनालाइट या कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट भी मौजूद है और इसके अलावा भी वेरिएबिलिटी मौजूद है जैसे वाटर एंड सॉयल या ब्लड या यूरिन, इन सब चीज़ों में हम कैल्शियम मालूम कर सकते हैं ए कॉमन एनालाइट दैट कैन बी फाइंड आउट इन ऑल दीज डिफरेंट मैट्रस और इन मैट्रिक्स के अंदर इसके अलावा भी बहुत कुछ मौजूद होगा जो सब के अंदर मुख्तलफ़ पाया जाता है before starting the analysis we have to capture a sample a representative sample is dearly needed to perform this analysis from hundred of kg or thousand of liters or acres of land we have to collect a sample for analysis we need just 2 to 3 gram of sample or most of the time 100 ml of liquid like in variability jitini zada हमें अपने सैंपल की क्वांटिटी भी बढ़ाने की ज़रूरत होगी और सैंपल की कंपोज़िट करने के लिए भी हमें चेंज या मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी सैंपलिंग एट ए पर्टिकुलर लोकेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम इस कॉल्ड ए ग्रैब सैंपल, जस्ट टू ग्रैब ए सैंपल इसी ग्रैब सैंपल्स को जब किसी ख़ास कंसंट्रेशन में मिक्स किया जाए तो कंपोजिट सैंपल्स तैयार किए जाते हैं अगर हमारा मैट्रिक्स एक होमोजीनियस मटेरियल है जैसे थाउजेंड ऑफ लीटर इन ए वन जार इन ए वन पैन उसके लिए हम ग्रैफ सैंपल इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है जैसे ज़मीन का एक रकबा या ओर का सैंपल लेना चाह रहे हैं आप किसी पहाड़ में से या आप आ, वेस्ट वाटर की एनालिसिस करना चाह रहे हैं जिसमें टाइम के साथ साथ वेरिएबिलिटी मौजूद है मुख्तलि किस्म के कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकल रहे हैं तो हमें कंपोजिट सैम्पलिंग की ज़रूरत होगी सैम्पलिंग करने के बाद हम सैंपल को प्रिपेयर करते हैं एनालिसिस के लिए इस सैम्पल प्रिपरेशन का ताल्लुक हमारी इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक के साथ है बाजूगात हमें लिक्विड सैम्पल एनालिसिस के लिए चाहिए है जैसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में अगर हम कैल्शियम मैग्नीशियम को एनालिसिस करना चाहें तो हमें वाटर बेस्ड सैंपल की ज़रूरत है तो सॉयल सैंपल को या ब्लड एंड यूरिन के सैम्पल को हमें पहले डाइजेस्ट करके वाटर बेस्ड बनाने की ज़रूरत होती है इसलिए वाइड वेड डाइजेशन या ड्राई ऑशिंग ये मुख्तलिफ एक्टिविटी हम करते हैं जिसके ज़रिए हम सैम्पल को तैयार करते हैं इसी तरह बाजूक डिलीट करके सैम्पल को एक ख़ास कंसनट्रेशन में लेकर आते हैं अगर एनोलाइट की कंसनट्रेशन बहुत कम है तो हम उसे कंसनट्रेट करने का कोई तरीका अख्तियार करते हैं अगले मोडूल के अंदर हम इन मुख्तफ़ टेक्नीकस को डिस्कस करेंगे तीसरी चीज़ सिलेक्शन ऑफ एनालिटिकल मेथड्स हैं एनालिटिकल मेथड, स्टैंडर्ड मेथड भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी वैलिडेटेड मेथड्स हैं जैसे आईएसओ के स्टैंडर्ड मेथड्स या ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में मौजूद मेथड्स और लेबॉरटरी डेवलप्ड वैलिडेटेड मेथड्स भी हो सकते हैं जिन्हें हम एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करेंगे एनालिसिस वेट एनालिसिस भी की जा सकती है जैसे लेबॉर्टरी के अंदर एसिड बेस टाइटेशन्स हैं या कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइटिशंस हैं या ग्रेवोमीट्रिक एनालिसिस हैं या रिडॉक्स टाइटेशनस हैं और एट सम ऑफ द टाइम वी हैव टू परफॉर्म इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेटेड होना एस ओ पीज़ का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का या स्टैंडर्ड टेस्टिंग मैथड्स का प्रॉपरली बना होना बहुत ज़रूरी है इसके अलावा हमारा इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल्ड और ऑपरेट एक्सटेंडेड कंडीशंस के अंदर हो रहा हो ये भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है जिन्हें हम टाइम के साथ साथ चेक करते हैं अपनी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशंस को कांस्टेंट रखने के लिए हम मेहनत करते हैं परफॉर्म करते हैं एवेलशन ऑफ एनेटिकल डाटा ये सबसे आखिरी पॉइंट कह सकते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिज़ल्ट आप हासिल कर रहे हैं उसके बाद हम उनको एवेलुएट करते हैं एवेलन से मुराद के हम मीन मीडियन, मोड फाइंड आउट करते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं जिससे हम प्रसियन या एक्यूरेसी में हेल्प लेते हैं इसी तरह सैम्पल या पॉपुलेशन इनकी मुख्तलिफ डेफिनेशन या सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे इसे भी हम अगली स्लाइड्स के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे अभी चूँकि सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है तो हम इस इन स्टेप्स को डिस्कस कर रहे हैं एंड फाइनली वी हैव टू रिपोर्ट अवर रिजल्ट्स रिजल्ट्स के अलावा जिसमें फिगर्स हैं हम सैम्पलिंग टेक्निक को सैम्पलिंग पैटर्न को भी सैम्पल करने वाले को भी बाजूक लिखा जाता है स्पेसिफिकेशंस लिखते हैं एनालिसिस किसने परफॉर्म किया है इसकी इंफॉर्मेशन हमारी रिपोर्ट पर मौजूद होती है मुख्तलफ़ लोगोस जो गवर्न करते हैं इसको हम इसमें प्लेस करते हैं वगैरह वगैरह तो ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो एनालिसिस में इस्तेमाल करेंगे अगले मोडूल के अंदर हम इनके एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स को डिस्कस करेंगे